ईश्वरा हम भी अलम उठा के जहां वो दिखाएंगे खतरा नजर जो आए अगर अपनी जान का तन्हा नबी को छोड़ के हम भाग जाएंगे तन्हा नबी को छोड़ के हम भाग जाएंगे। एक समाज प्रमाण चार मिसरे झूठ को सच के तरफदारों ने सोने न दिया झूठ को सच के तरफदारों ने सोने न दिया जुल्म को सब्र की तलवारों ने सोने न दिया हजरत कंबर हो सलमान अबू ज़र मीसम हजरत कंबर हो सलमान अबू ज़र मीसम एक दो तीन को इन चारों ने सोने न दिया एक दो इन चारों ने सोने न दिया और चार से समाप्त फरमाए आज की मेरा सिलसिला से मैदान है कतीब है मिंबर जदीद है मैदान है कतीब है मिंबर जदीद है ज़िलहज का ये महीना है रोजे सईद है ज़िलहज का ये महीना है रोजे सईद है ऐलान मुस्तफा से तो साबित ये हो गया ऐलान मुस्तफा से तो साबित ये हो गया ईद गदीर असल में शियों की ईद है ईद गदीर असल में शियों की ईद है रुक अभी मौत जरा देर अभी दूर ठहर तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा सर को नैज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा माने दुट्टी में फिलाई थी दिलावत मुझको नौके नैज़ा पे भी बदला नहीं लहजा मेरा कटना पाई किसी कंजर से इबादत मेरी सरखलम हो गया जारी रहा सजदा मेरा कटना पाई किसी कंजर से इबादत मेरी सरखलम हो गया जारी रहा सजदा मेरा प्यास दिखलाई है रखा नहीं पानी का सवाल मुट्ठियां बंद रही हाथ ना फैला मौजज़ा कम तो नहीं है ये लबे तश्ना लबी मश्क दांतों में रही होंठ ना भीगा मौजज़ा कम तो नहीं है ये लबे तश्ना लबी मश्क दांतों में रही होंठ ना भीगा मेरा आ फिक्रे रजा पै करे अंता हो अता छू आ फिक्रे रसा पै करे अंता हो अता छू अब्बा से अलमदार के नक्शे कवे पाछू घर मौत भी आ जाए तो हर किस न दवा छू हो जाएगी सेहत तो जरा खा के शिफा छू खेच के अब्बास ने रन में किया नारा हिम्मत है तो सरहद को मेरी फौज जवा छू नामर्द जो मर्दानगी का दावा है तो अब्बास के होते हुए अब्बास के होते हुए ज़ैनब की जात चलिए अब हम गुजारिश करते हैं असद एहतराम हुज्जत इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना सरकार आदमी साहब से कि हाथ कर लो
محمد و آل محمد اللهم صل على محمد برای سلامتی و خوشنودی مولا امام زمان علیه السلام با آواز بلند سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام زمان علیه السلام کی تصدق میں ہم سب کی سلامتی کے لیے آپ سب کی سلامتی کے لیے اس محفل کے انعقاد کرنے والے بانیان کی سلامتی ان کے فیملی کی سلامتی کے لیے با آواز بلند سلام اللهم صل علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرآن مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والثناء على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين ما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صلوات على سيدنا محمد محمد وآل محمد. غدیر خم کا جشن ہے اور میں عام خطیبوں کی خطابت سے ہٹ کر اور اپنے رویے سے ہٹ کر آج عام طور پہ جس آیت کا انتخاب کرنا چاہیے تھا اس آیت کا انتخاب کیے بغیر سورہ آل عمران کی 81 آیت کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی اس تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. مجھے پہلے تو دعائیں کرنی ہیں لیکن اس کا ترجمہ سن لیجیے گا. آیت نمبر 81 سورہ آل عمران. اللہ پیغمبر کو مخاطب قرار دے کر کہہ رہا ہے اے ہمارے نبی آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے عالم ارواح نبیوں سے اقرار لیا عام لوگوں سے نہیں نبیوں سے یہ عہد لیا یہ اعتراف لیا حکمت اور کتاب عطا کرنے کے بعد کہ دیکھو کہ جب تمہارے پاس رسول آیا ہمارا آخری نبی آیا تو تصدیق کرتا ہوں ان چیزوں کی جو تمہارے پاس موجود ہیں. تو جب ایسا رسول آئے
तो पहला तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि तुम उस पर ईमान लाओगे, यानी हर नबी से ये करार लिया अल्लाह ने, ये वादा लिया अल्लाह ने कि हमारे नबी पर ईमान लाएंगे वो लोग। हर नबी का हमारे पैगंबर पर ईमान लाना वाजिब है और किसी को, और ईमान लाने के बाद उस नबी की मदद करोगे। फिर अल्लाह कहता है कि मैंने कहा क्या तुमने इकरार किया, क्या तुमने मेरे इस अहद पर, मेरे इस वादे पर हां कहा? उन सब ने कहा जी हां, अकररना, हमने इकरार किया। तो अल्लाह ने कहा गवाह रहना और मैं भी गवाह रहूंगा, मैं भी गवाह देने वाला हूंगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इस आयत में एक बात तय है, वो ये है कि हर नबी का ये फर्ज है कि हमारे नबी पर ईमान लाएं। ईमान लाने के बाद हमारे नबी की मदद करें। ये दो बातें याद रखिएगा। मैं हदीस बुरी हूं, आपको मालूम है नहायत ही परहेजगार मोमिन, खिदमत गुजार, जैद आलिम दीन, मेरे बहुत चाहते, हमें बहुत पसंद करने वाले, लाइक करने वाले, खुश जबान मौलाना अहमद हसन साहब के बारे में इंतकाल कर रहे हैं और कल रात उनकी तस्वीर हो गई पतनहली में, और यकीनन की वफात एक बड़ा सदमा है उम्मत के लिए। हमारे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह को मंशूर फरमाए। आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनके सलाम से आप सबके लिए एक मुबारक सुबह फातिहा।